हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं मल्टी फंक्शनल माइक्रोस्कोप की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, मेरे पास जो है बहुत सारे माइक्रोस्कोप है। आज तक मैंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स की अनबॉक्सिंग की है। ये जो माइक्रोस्कोप है उन सारे माइक्रोस्कोप से बहुत ही ज्यादा अलग किस्म का है, क्योंकि दोस्तों इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमें यहाँ पर एक कलर डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। और ये जो माइक्रोस्कोप है 2-in-1 है। आप चाहे तो इसे माइक्रोस्कोप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर टेलीस्कोप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफी ज्यादा अलग, काफी ज्यादा धमाकेदार माइक्रोस्कोप है। चलो फटाफट से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। बॉक्स के ऊपर कुछ है नहीं गाइस, जस्ट यहाँ पर है मल्टी फंक्शनल माइक्रोस्कोप बोलकर। ये जो माइक्रोस्कोप है 3 colors में मिल जाता है। मैंने यहां पर पिंक कलर वाला माइक्रोस्कोप मंगवाया है। तो चलो बॉक्स को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों ये माइक्रोस्कोप अगर आप खरीदते हो, ये यूजर मैनुअल आपको जरूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है इसे यूज करने के लिए। तो सारी चीजें, इसको किस तरह से चलाना है, इस यूजर मैनुअल में दी गई है। तो यहाँ पे देख रहे हो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग जो माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप में देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको प्ले भी करके देख सकते हैं। और एक चीज गाइस, उसके फोटोज वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेक पिक्चर्स बोलकर। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। अभी दिखाता हूँ मैं आपको हमारा माइक्रोस्कोप। काफी अच्छी पैकिंग की है इन लोगों ने। इस माइक्रोस्कोप को अगर आप खरीदना चाहते हो तो गाइस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस माइक्रोस्कोप को खरीद भी सकते हो। ये जो माइक्रोस्कोप है आपको इंडिया में नहीं मिलेगा गाइस, दूसरी कंट्री से आपको मंगवाना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो गाइस, ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप। तो काफी कमाल का यहाँ पे है इसका डिस्प्ले। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में, थोड़ी देर में बात करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या है और माइक्रोस्कोप को किस तरह से यूज करना है। और हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे लगाने के लिए हमें एक कमाल का ट्राइपॉड भी मिल जाता है। ये रहा इसका ट्राइपॉड, मेटल का ट्राइपॉड मिलता है गाइस हमें। और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक लैनयार्ड, देख रहे हो काफी मस्त क्वालिटी का है। और यहाँ पे मिला है एक माइक्रो यूएसबी केबल इस माइक्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए। और एक सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पे देख रहे हो गाइस, इसके साथ ही हमें एक मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है। 8GB का मेमोरी कार्ड है इस माइक्रोस्कोप में लगाने के लिए। तो चलो माइक्रोस्कोप के अंदर ये मेमोरी कार्ड डाल लेता हूँ मैं दोस्तों फटाफट से, और आपको मैं बताऊंगा ये जो माइक्रोस्कोप है किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हो, यहाँ पे इसके अंदर कार्ड वगैरह डालना है हमें, और यहीं से ही हम लोग इस माइक्रोस्कोप को जो है चार्ज भी कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल लेता हूँ। ये डाल दिया मैंने मेमोरी कार्ड, यहीं से इस माइक्रोस्कोप को जो है आप चार्ज भी कर सकते हो। और ये जो माइक्रोस्कोप है एंडन स्टार की तरफ से आ जाता है, काफी मस्त ब्रांड है। ये लोग जो है काफी मस्त मस्त माइक्रोस्कोप्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो चलो मैं आपको ये माइक्रोस्कोप का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर जो है दो लेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है। ये माइक्रोस्कोपिक लेंस है और ये टेलीस्कोपिक लेंस है। तो दो अलग अलग लेंसेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। और लेंसेज को जो है यहाँ से आप पूरी तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो। और इसका ये जो टेक्सचर है पूरी तरीके से रबर का टेक्सचर है, मटेरियल काफी ज्यादा मस्त है। और लेंस के राउंड आप देख सकते हो बहुत सारे एलईडी लाइट्स भी दिए हुए हैं, दोनों तरफ हमें लाइट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम ट्राइपॉड लगा सकते हैं, यहाँ पर जो है लैनयार्ड लगा सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे देख रहे हो, इसको तीन बटन्स यहाँ पे है, तीन बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, यहाँ पे ओके बटन, यहाँ से हम इसके अंदर जो पिक्चर देख रहे हैं उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक मैनुअल बटन भी देखने को मिलता है। तो चलो फटाफट से इसको मैं ऑन करता हूँ। तो हमारा माइक्रोस्कोप या फिर आप इसको टेलीस्कोप भी बोल सकते हो ऑन हो चुका है। तो इसके डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आप बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हो। डिस्प्ले का साइज है 2 inches और डिस्प्ले जो है काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये देख रहे हो, यहाँ से हम सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों फटाफट से मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें इस माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ, उसको रिकॉर्ड भी करके बताता हूँ। चलो चेक करते हैं इस माइक्रोस्कोप की क्वालिटी कैसी है, लेट्स गो। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका ट्राइपॉड अटैच कर दिया है, तो इसके ट्राइपॉड को ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से रखकर यहाँ पे देख रहे हो पूरी तरीके से इस माइक्रोस्कोप को आप जो है एडजस्ट कर इसे यूज भी कर सकते हो।
तो भाई इसको टेलीस्कोप के जैसा भी यूज कर सकते हो, स्टार्स वगैरह भी आप चाहे तो इससे देख सकते हो, या फिर पंछी वगैरह भी देख सकते हो गाइस अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। तो यहाँ पर सामने एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी LEDs दी हुई है, तो ये जो LEDs है हम लोग यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हो LEDs जल रही है। इसकी जो ब्राइटनेस है हम लोग कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम ज्यादा करने के लिए ओके का बटन हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पर इसका माइक्रोस्कोप चेक कर लेते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल रखे हैं, ये एक लीफ है और यहाँ पर एक छोटी सी चींटी है। दोस्तों इसको मैंने मारा नहीं है यार, ये ऑलरेडी यही हालत में थी। तो यहाँ पर एक छोटी सी हाउस फ्लाई भी है, तो इसको जो है हम लोग अभी माइक्रोस्कोप में से देखेंगे, देखते हैं ये कितनी बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप को मैं इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर इस एंट के ऊपर मैंने माइक्रोस्कोप सेट कर दिया है, तो देख रहे हो गाइस यहाँ से हम पूरी तरीके से इस एंट को जो है इतना ज़्यादा जूम कर भी देख सकते हैं इस डिस्प्ले के अंदर से। तो भाई ये चीज़ इसकी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ वीडियो को, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई देख रहा हूँ एंट जो है कितना ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग जो है इसके ऊपर फोकस वगैरह भी एडजस्ट इस तरह से कर सकते हैं। फोकस एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में एक व्हील मिल जाएगा, उस व्हील से जो है आप पूरी तरीके से इसके ऊपर फोकस एडजस्ट भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा जूम भी कर सकते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जूम है वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर दो बटन हमें देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से जूम भी हो जाता है। जूम होने पर देख रहे हो गाइस, वाह भाई गाइस गजब का है यार, ये इतना ज़्यादा जूम हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको जूम आउट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप हटा देता हूँ तो ये चींटी आप देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा छोटी है। तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो कितनी ज़्यादा बड़ी होकर दिखाई दे रही है गाइस ये वाली चींटी। यार इसको मेरे को जो है एक और बार एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, है ना कमाल की चीज़ यार, इतना मस्त तरीके से ये जो माइक्रोस्कोप है काम करेगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गाइस। ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है यार, तो इसके ऊपर जूम करते हैं हम लोग यहाँ से। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रही है ये हाउस फ्लाई, वाव। तो यहाँ पर मेरे पास जो है गाइस एक लीफ भी है, तो इस लीफ को भी देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर। लीफ का जो है पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके अंदर से, वाव अमेजिंग है यार ये तो। तो इसके कॉर्नर्स देख रहे हो गाइस, लीफ के कॉर्नर्स है ये, वाव अमेजिंग। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये रही गाइस मेरी फिंगर, जैसे कि आप देख रहे हो भाई साहब सारे के सारे फिंगर प्रिंट्स तक इसके अंदर से नजर आ रहे हैं। तो इसको और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, अभी देखना आप, ये देखो गाइस है ना कमाल की चीज, वाव। तो दोस्तों आपको ये माइक्रोस्कोप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरे को ये जो माइक्रोस्कोप है यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गाइस, इस तरह का माइक्रोस्कोप जो है मैंने आज तक भी नहीं देखा है, इसीलिए गाइस इसका नाम है मल्टी फंक्शनल माइक्रोस्कोप। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहते हो इस कमाल के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी खरीद सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है आकिफ बगानी, दीपा कपूर, मानवेंद्र, काव्यांश, टीना, अनुपम, सहर्ष सिंह, अरविंद दास, नितेश, मुनव्वर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है, एंड मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।